मानसी टॉप का ट्रैक स्टार्ट कर दिया है, 10 बजे स्टार्ट किया है नीचे से। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है ऊपर जाने में, क्योंकि हम लोग तो स्लो स्लो जाते हैं, और जो भी आए तो फर्स्ट ट्रैक पे ना चढ़ जाए, आराम आराम से स्टेप करके जाएँ, वेट कर करके स्टे कर करके जाएँ, क्योंकि सांस बहुत ज़्यादा फूलती है, ऑक्सीजन लेवल यहाँ पर काफ़ी कम होता है। चीज गिरी हुई ना, शायद स्किन के क्या कहते हैं इसको, बुर कहते हैं, बुर है ये, बुर ये यहाँ पे जब बुर गिरते हैं ना ये ऊपर दफ्तों से, ये खूबसूरती में बस ही इजाफा हो जाता है इस वे का रास्ते का। ये सारे गुच्छ के पौधे लगे हुए हैं, ये सुल्तान है वो बबली है, और वो अर्तुगरुल कौन सा है, राजू सही, और खरीद है भाई, चलो चल रहा काम, चलो माशाल्लाह, चलो ऊपर जा रहे, चलो थोड़ी चला पक्षी चले पतो आओ ना, रश है पहुंचे उतने तब तो तकसीम हो गए, जरा रश बहुत है। इसका क्या नाम है, नाम के इसका क्या नाम है, शहजादी, शहजादी शहजादी बबली, और एक और नाम बता, राजू, राजू कृष्ण घोड़े जा रहे हैं ना, 2 साल पहले आए थे तो उनसे मुलाकात हुई थी, इस पर हमने फैमिली को शाहरान वाटरफॉल के ऊपर भेजा था, तो इसमें एक का नाम है बबली, एक का नाम है राजू, और एक का नाम क्या बताया, शहजादी। क्या नाम है थोड़ी का, जेनी, ये जेनी है भाई, इंग्लिश में नेम इज जेनी, ये जेनी है भाई, आपको जाना है, वो सारे मानसी से वापसी आ रहे हैं, मानसी टॉप से अभी हम जा रहे हैं मानसी की तरफ, नहीं नहीं मानसी टॉप जा रहे हैं, और बड़ा अच्छा ट्रैक बन गया यार, ये बहुत खूबसूरत ट्रैक है ये, आप ट्रैक तो देखें इसका, क्या ट्रैक है, मानसी टॉप जा रहे हैं, सांस ज़्यादा फूल रही है, पसीने भी आ गए,
थोड़ा सा ये स्टेमिना बढ़ाने के लिए कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। अब आगे चलते हैं दोबारा। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त वाटरफॉल से इसका ट्रैक मानसी टॉप का इजी है, लेकिन हाइट है काफ़ी इजी। इस सेंस में कि यहाँ पे पानी नहीं है, ना कीचड़ है और ना कोई ख़तरे वाली बात है। स्ट्रेट चलते जाएं, कभी उतराइए कभी चढ़ाइए। और मानसी अपना वाटरफॉल का काफ़ी डीप पे है ना, तो स्लिप हो जाते हैं, ख़तरा होता है ज़्यादा। ये ट्रैक अच्छा है, इसको ट्राई करें ज़रूर। मानसी टॉप जा रहे हैं, अभी थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बैठे हैं। बहुत ज़्यादा जो है ना सांस फूल गई है। अच्छा, यहाँ जब भी आए और स्लो स्लो आए, फर्स्ट अटैम्प पे ना चढ़ें, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी आपकी। दूसरा, जब भी आए तैयारी के साथ आएँ, स्टिक शूज़ अच्छे, हाइकिंग शूज़, रेनकोट, और जो मेन चीज़ें सिर्फ वही लेकर आएँ, लोड ना लेकर आएँ, वरना लोड उठाएंगे और चढ़ नहीं सकेंगे फिर आप। कम से कम वजन के साथ आएँ यहाँ पे, और गाइड सबसे मेन जो चीज़ है वो गाइड के बैग करना है, क्योंकि जंगल है या कोई भी हो सकते हैं, जानवर वगैरह हो सकते हैं। कल हम लोग को रात को देर हो गई थी वाटरफॉल से आने में, मगरिब पे निकले वहाँ से तो अंधेरा हो गया था बिल्कुल ना, तो वहाँ पे जानवरों की आवाज़ें भी आनी शुरू हुई थी हमें। फिर हम भागे वहाँ से, आगे गए तो कुत्तों की आवाज़ें आनी शुरू हो गई, तो बड़े ख़तरनाक कुत्ते भी होते हैं यहाँ पे, तो एहतियात करें। दिन की रोशनी में जाएं और दिन की रोशनी में ही आएँ, ज़्यादा लेट ना करें, ठीक है ना। तो ये गाइड की कुछ चीज़ें हैं, गाइडलाइन दी आपको, इसको फॉलो करें और कम से कम सामान लेकर आएँ ताकि बोझ ना पड़े, क्योंकि चढ़ाई बहुत है, ऊपर चढ़ने में आपको बहुत परेशानी होगी। अभी हम मानसी वन पर जाते हैं, वहाँ पर पहुँच के आपको अपडेट करते हैं। अल्लाह हाफिज़। सांस बहुत ज़्यादा फूल रही थी। खुबानी, सूखी खुबानी लेकर आएँ, उससे क्या होता है कि आपकी सांस नहीं फूलती। तो अभी किशमिश मिली है, किशमिश खा रहे हैं थोड़ा सा सांस बहाल करने के लिए। तो यहाँ पर आएँ तो ऊँचाई होती है ना, हाइट होती है, सांस ऑक्सीजन लेवल कम होता है। तो या तो सूखी हुई खुबानी लेकर आएँ, कच्ची प्याज या अदरक, उसको मुँह में डाल लें और फिर आप चलें, तो उससे आपके स्टेमिना और सांस थोड़ी कम फूलती है, स्टेमिना बिल्डअप होता है। आगे चल रहे हैं अभी इंशाल्लाह।
वो सामने बाढ़ नज़र आ रहा है, वो मानसी वन है। अभी हम वहाँ पे वहाँ पर जाना है हमें, और 10 बजे निकले थे हम, और अभी टाइम हो रहा है 11:40। तो मेरे ख्याल में देखते कितना टाइम लगता है वहाँ पहुँचने में, उसके बाद वहाँ से मानसी टू का ट्रैक करेंगे, मानसी टू टॉप का। चलते हैं आगे। मानसी के रास्ते में जा रहे हैं अभी, और ये सामने वाला देखें, वो जो मेडो नज़र आ रहे हैं ऊपर, मेडो हरियाली ग्रीनरी, ये भी कोई ट्रैक है, ज़बरदस्त ट्रैक है मेरे ख्याल में। ये यहाँ के लोकल हैं, इनसे पूछते हैं, ये बताएंगे वहाँ का क्या क्या ट्रैक है, नाम क्या है। मेरा नाम उमर है, मैं यहीं का रिहायशी हूँ। इस जगह का नाम है डबरा। डबरा इधर नीचे आबशार से लोग जाते हैं ऊपर, कोई जो इसका रास्ता आबशार से जाता है जी। आबशार जो शरण आबशार के जी, इसका रास्ता मुश्किल है थोड़ा, जो बंदे ज़्यादा कोशिश की होती है उन्होंने वो जा सकते हैं। अच्छा, जैसे मोटे आदमी के लिए नहीं जा। तो शरण आबशार से कितना डिस्टेंस है ऊपर तक? ऊपर तक एक दिन का स्टे कर के लोग जाते हैं, ये टूरिस्ट मतलब है। काफ़ी हाइट पे जी, काफ़ी हाइट पे। कितनी हाइट का कोई अंदाज़ा है, कितनी हाइट है ये? हाइट का तो मुझे अंदाज़ा नहीं है। अच्छा, मतलब एक दिन लगेगा पूरा ट्रैक करने के लिए जी शरण आबशार से? जी, ये आगे डबरा है, इससे पीछे मूसा का मसाला है ऊपर। तो मूसा का मसाला तो वो अपना मंजागुट्टा गांव से जाते हैं जी, उधर से भी जाते हैं, इधर से भी रास्ता। अच्छा, इधर से मूसा मसाला का रास्ता इधर से भी है भाई, ज़बरदस्त। चलो बहुत शुक्रिया यार, मेहरबानी, आ जाओ चलें भाई। कुछ 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 लगा हुआ नहीं है, गुज के पौधे हैं सारे। ये रहा गुज। गुज कच्चे, ये सारे गुज के बाग हैं। गुज ही गुज। बहुत खूबसूरत ट्रैक है, जबरदस्त ट्रैक है यार। मानसी टॉप बड़ा खूबसूरत है यार। नीचे का रास्ता भाई,
मानसी टॉप वन पहुंचने वाले हैं, बस 2 मिनट का रास्ता है। तकरीबन 10 बजे निकले सुबह और अभी 12:10 हो रहे हैं। दिखाते हैं अभी आपको। बस पहुंचने वाले हैं मानसी टॉप वन। ये जो वहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है ना, ये बड़ी टफ हाइट है, टफ ट्रैक है। ये हम आ गए मानसी टॉप वन। ये व्यू देखें, ये नज़ारे हैं। तकरीबन 10 बजे निकले थे शरण पॉट से और 2.25 घंटे का ट्रैक करके यहाँ पहुँच गया मानसी टॉप वन। ये आप ट्रैक देखें, वो देखें कुत्ता, डेंजर भाई, काटेगा तो नहीं जानने वाले। ये नज़ारे देखें, ये मानसी टॉप वन। ये सामने ट्रैक जा रहा है ऊपर, ये मानसी टॉप 2 की तरफ ट्रैक जा रहा है। अभी हम जाएंगे थोड़ा रेस्ट कर लें यहाँ पे, रेस्ट करने के बाद वहाँ पे फिर हम ट्रैक करते हैं मानसी टॉप 2 टॉप का। सांस बाहर लेने थोड़ा टाइम लगेगा, सांस काफ़ी फूल गई है। मिलते हैं मानसी टॉप 2 पे।